Learn Computer with Artis Academy. With Artis Academy. अब हम लोग देखेंगे ऑफ पोजिशनिंग ऑफ ब्लॉक विद इन ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक को किस तरीके से पोजिशन किया जाएगा, ये चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसका यूज क्या होगा कि अगर कोई ब्लॉक के अंदर सब ब्लॉक है तो अगर मेन ब्लॉक पे हम लोग हवर करेंगे तो सब ब्लॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हवर हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में हो तो तभी हो सकता है जब वो सब ब्लॉक होगा या उसके अंदर का ब्लॉक होगा। तो मतलब कहने का ये है कि हवर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड ऑन सेम ब्लॉक और सब ब्लॉक। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एक हम लोग डिव रखते हैं, आईडी कर लिया इसका एक्स, अभी एक्स का हम लोग पोजिशनिंग कर लेते हैं। ये हमने एक ब्लॉक बना लिया एक्स, उसका हाइट वेट डाल दिया है। इसको पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं। हाइट दे दिया जाए, तो ये हमारा एक ब्लॉक आ गया। पोजीशन एब्सोल्यूट देना होगा, तो ये हमारा एक ब्लॉक तैयार हो गया। अब इसमें हम चाहते क्या है कि इसका इसके साइड में हम लोग दो टेक्स्ट और डालते हैं, तो अलग एक डिव बना लेते हैं। डिव आईडी मान लीजिए A1 ये ले लेते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं आर्गस, और फिर एक और डिव ले लेते हैं, आईडी इसका हम लोग डाल देते हैं बी, इसमें हम लोग डाल देते हैं इमेज, और वेट हाइट 100% कर देते हैं ताकि वो डिव के बराबर रहे। अब पहले इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो ये टेक्स्ट और इमेज इसमें आ रहा है। अब हम चाहते क्या है कि टेक्स्ट मेरा यहाँ उसके ऊपर में रहे, ठीक है, और इमेज उसके नीचे में रहे, बाहर में, ठीक है। तो टेक्स्ट को ऊपर करने के लिए अब क्या ध्यान देना है कि जिस डिव के अंदर जो चीज़ है वहीं उसका 100% होगा। तो सबसे पहले हैश ए हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट लिखते हैं। अब हमारा इसका टॉप, टॉप क्या रहेगा, टेक्स्ट जो है हमारा उसके ऊपर रहेगा, उसका ऊपर मतलब ए ऑर्गस के लिए ये 0% है तो ये उसके ऊपर रहेगा, मतलब माइनस में उसका पोजिशनिंग होगा। तो मान लीजिए -25% दे देते हैं और इसको रीलोड करके देखते हैं, तो ये ऊपर में आ गया, ठीक है।
अब इसी के हिसाब से लेफ्ट हम लोग मान लीजिए इसको कर देते हैं 35%, और उसका कुछ कलर रेड, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फोटो। तो इसको रिलोड कर लेते हैं तो ये एग्जैक्टली यहाँ ऊपर में आ गया। अब इमेज को क्या करना है, इमेज को हम लोग को नीचे करना है। तो इमेज है हमारा बी ब्लॉक में, तो बी का अगेन बी पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देते हैं। अब इसका टॉप क्या होगा, तो इसका टॉप 100 के बाद रहेगा, क्योंकि ये इसके लिए 100 है तो इसके बाद रहेगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग 130% कर देते हैं। तो ये नीचे चला गया। अब इसका विड्थ और हाइट दे दिया जाए, तो विड्थ और हाइट हम लोग विड्थ हम चाहते हैं इस पूरे ब्लॉक के बराबर ही रहे, तो विड्थ इसका 100% ही रहेगा और हाइट भी उसी के बराबर रहे, तो ये भी, या हाइट उसको हम लोग कर देते हैं 70%। तो ये इसके हिसाब से बाहर हो गया। अब हम चाहते हैं क्या, जब माउस इसके ऊपर ले जाए तब ये दोनों चीज अंदर आए, ये टेक्स्ट यहाँ ऊपर में रहे और ये यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में इमेज रहे। तो अब उस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अब हवर किसके ऊपर करना है, हैश एक्स के ऊपर। अब मान लीजिए फिलहाल एक्स के ऊपर करते हैं और इसी का सिर्फ बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कुछ भी, ग्रीन ब्लू किया जा सकता है। ये तो चेंज हो रहा है। अच्छा, ये भी हम चाहते हैं धीरे धीरे हो, तो इसमें हम लोग ट्रांजिशन ट्रांजिशन दे सकते हैं, मान लीजिए 2 सेकंड दे देते हैं। तो ये क्या होगा, ग्रेजुअली कलर चेंज होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, फिर एक्स पे हवर करने पे अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट नीचे आए, तो पहले तो हवर लिख देते हैं, उसके बाद फिर हैश ए लिखते हैं, टेक्स्ट इसमें है। अब वो नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि टॉप उसका क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इसको हम लोग 0% कर देते हैं। एंड धीरे धीरे आने के लिए ट्रांजिशन देना पड़ेगा, तो इसमें भी हम लोग ट्रांजिशन ऊपर में डाल देते हैं। तो अब माउस क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट मेरा आ रहा है। इसका हम साथ में चाहते हैं कलर वाइट हो जाए, कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग अगला का करते हैं। एक्स के बाद हमारा हवर करने पे अब इमेज चाहिए, इमेज हमको ऊपर चाहिए। टॉप इसका हम लोग मान लीजिए फिलहाल 15 कर देते हैं, कलर तो इसमें देने का जरूरत नहीं है। एंड इसमें भी ये धीरे धीरे काम करेगा, तो ट्रांजिशन हम लोग इसमें बी थोड़ा में सा ज़्यादा दे लगा देते हैं, 3 दे देते हैं। ये माउस ले गए, उसका ये कलर चेंज हो रहा है। हाँ, 15 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हाइट हम लोग उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कर देते हैं ताकि पूरा कवर कर ले, तो 85 कर देते हैं। ये दिख रहा है। अपर ये हम चाहते हैं कि जब ये चीज बाहर रहता है तो बाहर रहने पे ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कैसे। करेंगे, मतलब ये जो हमारा दोनों है, ये ऑर्गस और इमेज है, ब्लॉक के बाहर है तो दिखाई नहीं दे, जब माउस ले जाए तो अंदर आते हुए दिखाई दे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन लगा देंगे। हिडन लगाने से क्या होगा, ब्लॉक के बाहर जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा। तो अब माउस ले जा रहे हैं तो ये अंदर आ रहा है, दिख रहा है, ये माउस हटाया, ये वापस इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है ये? बिल्कुल
Learn Computer with Artis Academy. With Artis Academy.